हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में हम मेरी सबसे छोटी बुआ जी केशव बुआ जी के यहाँ गए थे। उनका जो घर है वो काजीपुर गांव में पड़ता है, और हम वहाँ पर क्यों गए थे वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो मम्मी पापा और रोहित सामने जो कार है उस कार में थे, और मैं, चाची जी, हैप्पी और चुन्नू इस कार में हैं, और मैं ड्राइव कर रही हूँ। तो ये जो ग्रीन कलर का घर है, यही मेरी बुआ जी का घर है, और जहाँ पर अब मैं गाड़ी पार्क करूँगी वो इनके घर के सामने ही इनका घेर है। ये छोटा बच्चा मेरी बुआ जी की बड़ी लड़की दीक्षा का बेटा है, अक्कू। ये बुआ जी का छोटा बेटा लक्ष्य है, और इसका भी घर का नाम चुन्नू है। और जब हम पहुंचे, फूफा जी घेर में कुछ काम कर रहे थे और बिजी थे। फिर मैंने देखा कि इनके घेर में गुलाब के फूल भी खिले हुए थे और बहुत सुंदर लग रहे थे। ये जो लाल चुन्नी में है, यही केशव बुआ जी हैं, और ये फिर हमसे बात करने लगी। और फिर शालू बुआ जी की बीच वाली लड़की हमारे लिए पानी लेकर आई, और ये है इनकी किचन। आज फूफा जी फुल फार्मर लुक में थे और अच्छे लग रहे थे। ये है शैली और ईलू, बुआ जी की छोटी लड़की और बड़ा लड़का। फिर बुआ जी चूल्हे पर सब्जी बनाने लगी। और चाय पीकर हम गाड़ी की पूजा करने के लिए आ गए, जो बुआ जी को करनी थी। आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा ही होगा कि हमने न्यू कार ली है, तो इसलिए बुआ जी उसकी पूजा करने के लिए आई।
फिर बुआ जी ने पूरी मन लगाकर पूजा करी और पापा के साथ फ़ोटो ली। इनके घर में बहुत सारी सब्जी लगी हुई थी। ये बैंगन के पेड़ है, इसके हमने बहुत बैंगन खाए हैं, और ये पालक लगा हुआ है, मूली लगी हुई है, चना लगा हुआ है, और ये इनका लीची का पेड़ है। फिर लंच करके हम जो काम करने आए थे हमने वो शुरू करा। हम एक्चुअली यहाँ पर अपने धान या फिर मुंजी खुटवाने आए थे, मतलब कि जो चावल होता है उसके ऊपर पहले एक कोटिंग होती है घास टाइप की, उसमें से अलग करके चावल निकालने होते हैं। तो फिर वो हम चक्की पे करवाने आए थे और चावल लेने आए थे। हम जो चावल लेते हैं वो हुफा जी से ही लेते हैं। तो ऐसे अब इलू और रोहित छत पे से ये धान के कट्टे उतार रहे हैं। इस वीडियो से चावल कैसे खुटता है वो पूरा प्रोसेस आपको समझ आ जाएगा, और मैंने भी पहली बार ही चावल खुटता हुआ देखा था। बाकी सब धान के कट्टे लेके आ रहे थे और लक्ष्य बुग्गी में धान के कट्टों को अरेंज कर रहा था। ये मेरी चाची जी हैं। कुछ कट्टे छत पर रखे हुए थे तो मैं भी छत पर आ गई। तो फिर दोस्तों एक धान का कट्टा थोड़ा फटा हुआ था तो उसमें से धान निकला हुआ था। तो आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ पे ये धान है, इसमें से चावल निकलेगा। फिर मैं और लक्ष्य ट्रैक्टर पर बैठ के चक्की तक जा रहे थे जहाँ पे इसमें से चावल अलग हो जाएगा। फूफा जी ट्रैक्टर चला रहे थे और पापा रोहित हैप्पी और चुन्नू पीछे कार से आ रहे थे। और हम 2 बजे के आसपास चक्की पर पहुंच गए। चक्की पर हमसे पहले बहुत लोगों के धान खुट रहे थे तो इसलिए हमारा नंबर 1 घंटे बाद आया। और उसी दिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल था तो पापा रोहित कार में बैठकर ही थोड़ा सा मैच देख रहे थे।
पहले जो मशीन हुआ करती थी उसमें धान ऊपर से डालना पड़ता था, लेकिन अब मशीन ऐसी है कि बस नीचे कट्टा खोल के रख दो और वो ऑटोमेटिक ऊपर ले जाएगी। फिर फूफा जी ने कट्टे खोलकर धान डालना शुरू करा। फिर जब धान ऐसे निकलना शुरू होता है तो ये जो ब्लू सा रेक्टेंगुलर ब्लॉक है इसमें क्रेन लगी होती है, वो धान को ऊपर ले जाती है। फिर मशीन अपना काम शुरू करती है और चावल से तुस को अलग करती है। जो चावल के बाहर वो ब्राउन कलर की कवरिंग होती है उसको तुस कहते हैं। और जैसे कि आप लोग अब देख सकते हैं कि चावल ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे बाहर निकलता है, और फूफा जी बता रहे थे अगर चावल धीरे धीरे ही निकलता है तभी वो अच्छी वैरायटी का चावल होता है और उसमें वेस्टेज भी कम होती है। जो लेफ़्ट साइड चावल है वो किनकी है, मतलब छोटा टूटा हुआ चावल, और जो राइट साइड है वो है परफेक्ट चावल। तो जब मैंने हाथ लगा कर देखा तो फिर चावल गरम गरम लग रहा था, और फूफा जी ने चावल चेक करा तो वो अच्छा बता रहे थे। ये जो वैरायटी है ये तुड़ल वैरायटी है। यहाँ पर चक्की वाले फ्री में ही चावल खोट रहे थे क्योंकि वो बदले में जो चावलों का तुस निकलता है उसे अपने पास ही रखते हैं। ये इस तुस को आगे फैक्ट्री में सेल कर देते हैं और अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। देखिए तुस कितनी धीरे धीरे निकल रहा है, लेकिन फिर भी कितना बड़ा पहाड़ बना हुआ है। मैंने लक्ष्य से ट्रैक्टर चलाना सीखा और मैंने चला भी लिया तो मुझे बड़ी खुशी हुई ट्रैक्टर चलाकर। फिर जब शाम होने लगी तब इलू चाय लेकर आया, और तब ठंड भी होने लग गई थी। चावल खोटने का काम शाम को 7:30 बजे पूरा हुआ था, लेकिन चुन्नू और मैं बीच में ही इलू के साथ घर चले गए थे। जब मैं पहुंची तो मैंने देखा मम्मी और चाची जी सेल्फी ले रही हैं, तो उन्होंने देखा कि मैंने उनको रिकॉर्ड कर लिया तो वो हंसने लगी। फिर चूल्हे पर चावल बन रहे थे और मैंने यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर हाथ भी सेके। फिर चुन्नू और अक्कू खेलने लगे।
डिनर करके रात को 9:30 बजे हम घर के लिए निकले और 10:30 बजे के आसपास घर पहुंचे थे। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।